Students, now I am explaining you theorem number 6. This theorem tends to the base on triangle. हम base on triangle पर इस theorem को discuss करने जा रहे हैं. बहुत तवज्जो से सुनिएगा. सबसे पहले statement जो कि exam में लिखी हुई आती है, अच्छी तरह से इसको याद करें, अच्छी तरह से समझें कि क्या statement है इस theorem की. In a triangle, two sides are congruent. Then prove their corresponding angles will also be congruent. A triangle है आपके पास. इस triangle की दो sides equal दी हुई है, यानी congruent दी हुई है, बिल्कुल same as it is दी हुई है. यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये 6 सेंटीमीटर की साइड है तो ए सी भी 6 सेंटीमीटर की साइड है, यानी ए बी और ए सी congruent है, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल इक्वल है. हमें प्रूव करना है कि इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, यानी ए सी के अपोजिट एंगल बी है और ए बी के अपोजिट एंगल सी है, ये आपस में बराबर होंगे इस ट्राइंगल के अंदर. याद रखिएगा थ्योरम में सबसे पहले गिवन होता है. गिवन क्या चीज है हमारे पास? इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी, इन विच वी हैव कंग्रुएंट साइड्स ए बी टू बी सी, यानी ए बी कंग्रुएंट है बी सी के. ये सिंबल्स आपको जो नजर आ रहा है ये कंग्रुएंट के लिए यूज किया जाता है. ए बी कंग्रुएंट टू बी सी, ए बी बराबर है बी सी के. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ दैट, क्या चीज प्रूफ करके देनी है हमें? कि इस साइड का, यानी ए सी साइड का जो अपोजिट एंगल है एंगल बी, इस साइड के यानी ए बी साइड के अपोजिट एंगल सी के कंग्रुएंट है. यानी प्रूफ क्या करना है? एंगल बी इज कंग्रुएंट टू एंगल सी. नाउ प्रूफ करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेनी होती है, वो होती है कंस्ट्रक्शन. हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं इस ट्राइंगल की. हम एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ए डी. ये ड्रॉ ए डी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. हम यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बोल रहे, हम कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो कि परपेंडिकुलर भी है. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से कि जो एंगल वन बन रहा है वही एंगल टू है. सपोज दैट ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है. हमने ड्रॉ किया, वी ड्रॉ ए डी, ए डी ड्रॉ किया बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर. सच दैट, कैसे? एंगल वन और एंगल टू हमारे दोनों आपस में कंग्रुएंट है, यानी इक्वल है. मीटिंग बी सी एट पॉइंट डी, जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए डी, वो जाकर ज्वाइन करता है, मीट करता है पॉइंट डी पर बी सी साइड के. यहां तक क्लियर है आप लोगों के पास? तो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये मेन पॉइंट्स हम लेने के बाद हम स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ जाते हैं. स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ हम आते हैं, याद रखिएगा यही हमारा मेन सेकंड पार्ट होता है स्टेटमेंट और रीजन का, जो कि हमें प्रूफ करके देगा कि इन एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर है. हमने दो ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए. ट्राइंगल है ए डी बी, ए डी बी एक ट्राइंगल है. क्रॉसपॉन्डिंग लेते हैं, इसका ताल्लुक ले रहे हैं इसके साथ ए डी सी के साथ. ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों का आपस में कंपेरिजन ले रहे हैं, आपस में सिमिलैरिटीज ले रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग ले रहे हैं. ये प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है, आपस में बराबर है. याद रखिएगा ये मेन पोस्टुलेट होता है कि दो ट्राइंगल्स की अगर दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के कंग्रुएंट हो और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के कंग्रुएंट हो तो वो ट्राइंगल्स आपस में बराबर हो जाती है. यानी ये दो ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाती है. जब ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होती है तो उसकी हर चीज आपस में कंग्रुएंट होती है. यानी दो साइड एक एंगल हमें बराबर करना है जिसकी बेस पर हम ट्राइंगल को कंग्रुएंट करते हैं. जब ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएगी तो इसका मतलब है उस चीज जो चीज हमें चाहिए वो आपस में कंग्रुएंट होगी, यानी उसके एंगल्स कंग्रुएंट होंगे. नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी क्रॉसपॉन्डिंग, दिस इज द साइन ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग. ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, हियर वी हैव गिवन ए बी कंग्रुएंट टू ए सी. हम देख चुके हैं यहां पर बच्चों के ए बी बी सी के कंग्रुएंट है, गिवन में ये बात है. तो रीजन हम लिखेंगे गिवन सेम है. मेजरमेंट एंगल वन कंग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल टू, मेजरमेंट एंगल वन कंग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल टू. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर कंस्ट्रक्शन, वी हैव कंस्ट्रक्टेड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल वन इज कंग्रुएंट टू एंगल टू, एंगल वन इज कंग्रुएंट टू एंगल टू. मेजरमेंट एंगल वन इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल टू. जब मेजरमेंट का साइन लगाते हैं तो कंग्रुएंसी का साइन नहीं लगाया जाता, इक्वल टू लगाया जाता है. मेजरमेंट एंगल वन कंग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल टू.
एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AD. ये AD साइड कॉमन है फॉर द ट्राइंगल ADB के लिए, सेम एज ADC के लिए. तो देन AD इज कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्राइंगल्स. यू कैन राइट AD कंग्रुएंट टू AD बिकॉज इन ट्राइंगल ADB AD इज कॉमन इन ट्राइंगल ADC. सो वी विल राइट इन रीजन कॉमन. हमने यहां पर देख लिया कि दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल आर कंग्रुएंट, देन द ट्राइंगल्स विल आल्सो बी कंग्रुएंट. ट्राइंगल ADB कंग्रुएंट ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC. दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ साइड एंगल साइड. दोनों बराबर है, क्या इसका रीजन है? साइड एंगल साइड आर कंग्रुएंट, साइड एंगल साइड बराबर ही है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के साथ ही है. फिर सुन लिए दो साइड एक एंगल बराबर हो तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहते हैं. ट्राइंगल बराबर हो गई, याद रखिए जब व्हेनेवर ट्राइंगल आर कंग्रुएंट एवरी साइड एवरी एंगल विल आल्सो बी कंग्रुएंट इन बोथ द ट्राइंगल्स. सो द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल सी विल आल्सो बी कंग्रुएंट. In this triangle, angle B is congruent to angle C. For this triangle, angle B congruent to angle C by the congruence of triangle or corresponding angles of the congruent triangle we can write also. Corresponding angle of the congruent triangles we can write the reason. Angle B congruent to angle C. In last you will write down QED, quad erard demens corundum. For all of you, it means that you have proved it.